हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड मोबाइल को एक लाइन टेस्टर बनाने वाले हैं, जिससे कि आप अपने घर में जो एसी करंट होता है, जो बिजली होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होता था, आपको टेस्टर लेना होता था और बिजली में जाकर ऐसे टच करना होता था, तब जाकर आप बिजली को टेस्ट कर पाते थे कि हाँ, इसमें करंट आ रहा है, इस तार में करंट आ रहा है। जो भी चीज़, मान लीजिए कोई तार ख़राब हो गया आपका, ठीक है, घर में लाइट नहीं आ रही है, अब आपको पता नहीं कहाँ तक लाइट आ रही है, कहाँ से तार जल गया है, या अंडरग्राउंड फिटिंग है, अब तार जल गया अंदर से, पता नहीं चल रहा आपको कहाँ से जला है, तो ये जो मोबाइल में जो मैं बनाने वाला हूँ टेस्टर, उससे आप बहुत ही आसानी से टेस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये टेस्टर होता है, जब तक आप तार पर ऐसे टच नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा लाइट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक मार्केट में आ भी रहा है कि वायरलेस टेस्टर, टचलेस टेस्टर जिसे बोलते हैं, वो भी आता है, वो भी आप ख़रीद सकते हैं, 150-200 रुपए में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस मोबाइल के अंदर ही, किसी मोबाइल के अंदर ही आप वायरलेस टेस्टर बनाएंगे, वो भी बिजली चेक करेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप टेस्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल द रवि टेक्निकल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही आसानी से बनाना सीख लेते हैं। मन में कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगी, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें BC547 का ट्रांजिस्टर चाहिए, जो कि NPN ट्रांजिस्टर होता है, और ये आपको आराम से 5 रुपये में मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पिन के बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो पहला पिन है ये होता है कलेक्टर, दूसरा होता है बेस, और तीसरा होता है ई मीटर, और ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये हमें 3 पीस ले लेना है, 5-5 रुपये का आ जाता है। उसके बाद हमें चाहिए एक बजर, ये 5 वोल्ट का बजर है। अगर आप बजर नहीं लेना चाहते हैं तो आप LED ले सकते हैं, LED से लाइट जलेगा, अब बजर से आपको आवाज़ सुनाई देगा। दोनों में से एक ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी। उसके बाद हमें चाहिए एक USB, किसी भी डेटा केबल में से USB कनेक्टर निकाल लेंगे, और एक एंटीना के लिए हमें चाहिए कोई सा तांबे का तार, ठीक है, छोटा सा तार ले सकते हैं, मोटा सा या पतला भी ले सकते हैं आप, रिंग टाइप का ही बना सकते हैं या ऐसे भी सीधा चल जाएगा, ठीक है। और एक हमें OTG केबल चाहिए, क्योंकि हम फ़ोन से चलाने वाले हैं इसको। क्या होता था, पहले हम बैटरी से चलाते थे, 9 वोल्ट की बैटरी से अलग से, और बैटरी डाउन हो जाता है या ख़राब हो गया तो दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों, मोबाइल हर जगह होता है, OTG केबल बस आपको रखना है साथ में, ये इसमें आपका इसमें इस तरह से ऐसे लग जाएगा, बस किसी फ़ोन में लगा लो और ये काम कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए मैं मोबाइल के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर मोबाइल से नहीं चलाना चाहते हैं 9 वोल्ट बैटरी से, तो उससे भी चला सकते हैं, ये कनेक्टर के जगह आप बैटरी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसका हम पहले डायग्राम समझ लेते हैं कैसे हमें कनेक्शन करना है, उसके बाद फटाफट हम कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए, हम इसका पहले डायग्राम समझ लेते हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए ट्रांजिस्टर हमारा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये, समझा देता हूँ सिंपल तरीके से, बाकी कनेक्शन आप इसी हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 3 पिन है, ठीक है, इसमें 3 पिन है और इसमें 3 पिन है, ठीक है, ऐसे ही है ना ट्रांजिस्टर में, देखिए 3-3 पिन सब में है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, इसका जो बीच वाला तार है इसका इसमें जोड़ना है, ठीक है, सिंपल सा। आप अपना ट्रांजिस्टर निकालिए और जोड़िए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसका तार आपको इसमें जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। इसका बीच वाला इसके शुरू वाले में, मतलब कह सकते हैं इसका बेस हमें इसका ईमीटर में जोड़ना है, ठीक है, और इसका जो बेस है इसका ईमीटर में जोड़ना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने जोड़ लिया, इसका बेस इसका ईमीटर में, इसका बेस इसका ईमीटर में, ऐसे कर लेंगे कनेक्शन, सिंपल है। उसके बाद इसका जो बीच वाला बच गया, इसको हम जो हम एंटीना बनाने वाले हैं ये वाला, ये इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, ये एंटीना हो गया हमारा, लिख देता हूँ मैं एंटीना, ठीक है, ये एंटीना हो गया बीच वाला,
और इसका कनेक्शन सिंपल सा हमने जोड़ दिया है। अब रही बात ये, तो इसमें हमें इनपुट देना है माइनस का, ठीक है, जो हम लगाने वाले हैं ये केबल, तो इसका माइनस वाला तार हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है। इनपुट यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनपुट माइनस। अब इसका जो बच गया एक एक तार, इसका एक एक पिन बच गया, इन सबको आपस में जोड़ देना है, इसका आपस में ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद इसमें हमें जो एलईडी या बजर लगाएंगे, कुछ भी हम लगाएंगे, तो इधर माइनस और इधर प्लस होगा, तो इधर माइनस वाला पिन इसमें जुड़ जाएगा और प्लस वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। इनपुट में 3 पॉइंट या 4 वोल्ट आराम से दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा कनेक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही फटाफट जोड़ लेते हैं। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह से 3 ट्रांजिस्टर लेंगे। इसका जो पहला पिन है, इसमें पहला पिन को छोड़िए, इसका बीच वाला पिन इसके शुरू वाले पिन में जोड़ना है, इसका बीच वाला पिन इसका शुरू वाले में जोड़ना है, ठीक है। इसका बीच में एंटीना लगा देना है और बाकी के जो इधर वाले, इस साइड वाले जितने भी हैं कलेक्टर, सबको आपस में जोड़ देना है और उसको जो बजर या एलईडी है उसके माइनस पे जोड़ देना है, और इधर से बजर में प्लस का डायरेक्ट तार जोड़ देना है और माइनस वाला इसके स्पिन में जोड़ देना है, ठीक है। सिंपल सा कनेक्शन है, चलिए हम फटाफट जोड़ लेते हैं। इसका आप फोटो खींच लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से इसमें जोड़ दिया है, देखिए इसका बीच वाला इसके शुरू में, इसका बीच वाला इसमें शुरू में, और जो बीच वाला इसमें एंटीना जोड़ देते हैं हम, तो चलिए एंटीना भी जोड़ लेते हैं हम। ये देखिए हमने इसका एंटीना भी जोड़ दिया है इस तरह से, और इसका देखेंगे ये वाला जो सबका इकट्ठा हमने जोड़ रखा था, इसके माइनस में यहाँ लगा रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें ये माइनस इसमें जोड़ रखा है और ये प्लस है जो कि हम इसमें जोड़ने वाले हैं। अब ये देखिए, तो इधर माइनस और इधर प्लस, हम फटाफट इसका तार भी जोड़ लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया है, जब आप बनाएंगे तो कोशिश करिए और छोटा रखिए, इन तारों को छोटा रखिए, फिर उसको हम जोड़ जाड़ कर यहाँ पर छोटा सा किसी भी फेविक्यूक या जो ग्लू स्टिक होता है उससे जोड़ जाड़ के हम चिपका के छोटा सा बना देंगे। तो ये देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया है, बस अब इसको हम अपने फ़ोन में लगाएंगे इस तरह से। किसी भी OTG, अगर आपका OTG C टाइप का नहीं है, दूसरे वाला है, तो उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फ़ोन में लगाएंगे और हम चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं फटाफट। और अगर आप इसको OTG केबल या मोबाइल में नहीं चलाना चाहते हैं, तो आप इसको पावर बैंक में भी चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पावर बैंक में भी नहीं चलाना है, बैटरी से चलाना है, तो इन तार को हटा दीजिए, बैटरी से चला सकते हैं। 3 वोल्ट की बैटरी से या मोबाइल की बैटरी से, इस तरह की बैटरी से चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे चलाना है तो इससे भी चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बजर लगा हुआ है, तो डायरेक्ट चला सकते हैं। और अगर बजर नहीं है, LED है, तो आप इसमें एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 100 ओम का, ठीक है। उसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मोबाइल से चलाइए, सिंपल सा तरीका है, आप कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल हर जगह होता है। अब ये देखिए जो हमारा ये हमने जो बनाया है वायरलेस टेस्टर, इसको हम OTG केबल में लगाएंगे इस तरह से। अगर आप मोबाइल से चलाना चाहते हैं तो OTG केबल चलाइए, नहीं तो अगर पावर बैंक है तो पावर बैंक में इसको लगाइए, ठीक है। पावर बैंक में आराम से लग जाता है, तो मुझे भी मोबाइल से चलाना है तो इसको मैं इसमें लगा दिया हूँ। उसके बाद मोबाइल का जो जहाँ चार्जिंग पॉइंट होता है उसमें हम इसको लगाएंगे इस तरह से। अब ये हमारा टेस्टर बनकर तैयार हो गया है। अब ये देखिए हम यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पे बिजली का बोर्ड है, ठीक है। अभी इस समय बंद है, इसके अंदर कोई भी तार नहीं जा रहा है समरसीवर में, ठीक है। अब देखिए इस समय मैं चेक करूँगा तो कहीं भी कोई बजर नहीं बज रहा है, देखिए कहीं भी नहीं बज रहा है। अब मैं स्विच को ऑन करूँगा और अब देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये नहीं काम कर रहा है, तार है। ये देखिए बिजली का तार यहाँ पर है। अब इसमें हमें पता नहीं किस कौन सा फेस है, कौन सा अर्थिंग है। अभी देखिए इस पे चल रहा है, इसका मतलब फेस है,
और ये वाला इस पर नहीं बता रहा, ये अर्थिंग है, ठीक है। इससे हमें फेस और न्यूटन का भी पता चल जाएगा। ये देखिए पैनल में एमसीबी भी चेक कर सकते हैं हम। ये देखिए और इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड कोई तार है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। कोई लंबा सा तार है वो टूट गया है, अंदर से पता नहीं चल रहा आपको कहाँ खराबी है, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हम इसको हम बाहर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर बोर्ड को, लेकिन यहाँ से पाइप गया हुआ है अंदर और हमें यहाँ पर ड्रिल करना है, हमें पता नहीं कहाँ से तार गया हुआ है, तो इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो ये अंडरग्राउंड वाला नहीं बता रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा बताता है, हल्का सा टच करते हैं तो। लेकिन मैं इससे इसके बाद अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जो अंदर वाला जो पाइप में तार होता है अंडरग्राउंड वाले, वो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। तो इसमें हम कुछ सेटिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे, जिससे अंदर जो तार है दीवार के अंदर वो भी हमें पता चल जाएगा कहाँ पर है। क्योंकि अंडरग्राउंड ऊपर वाले में तो हमें पता चल जाता है कि तार कहाँ से टूटा है, लेकिन अंडरग्राउंड वाले में पता नहीं चलता है कहाँ से जला हुआ है, कहाँ से टूटा है, ख़राब है तार। तो उसके लिए हम इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, वो अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल द रवि टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए टाटा बाय बाय।